क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ डूइंग वेल। सो एज यू गाइस नो दैट आई हैव अनाउंस्ड कि मैं पूरी की पूरी बाइक चेंज करने वाला हूँ, लाइक जितने भी पुराने मोड्स हैं उनको खोल के नए मोड्स करवाने वाला हूँ। सो आई जस्ट थॉट दैट बिफोर डूइंग दैट स्टफ आई शुड मेक अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ऑन माई इन्वेस्टमेंट्स, ऑन माई ओल्ड मोड्स, ऑन ऑल द एक्सेसरीज आई हैव इंस्टॉल्ड, और साइड बाय साइड एक आइडिया लग जाएगा कि कितना मतलब इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, कितने तक की मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई हैं अपने बाइक पे। सो या इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड राइट आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रोजेक्ट राम प्यारी 2.0, जिसका मैंने नाम दिया है। ऐसे मोड्स करूँगा जो पॉकेट फ्रेंडली हों, जो आप भी कर पाएँ, मेरे को कॉपी कर पाएँ, जो भी करूँगा बजट फ्रेंडली करूँगा। अगर बजट से बाहर ही जाना होता तो मैं R1 किट इंस्टॉल कर लेता, बट वो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है वैसे तो। बड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस काटने पड़ते मेरे को उसको परचेज़ करने के लिए, बिकॉज वो 50,000 की आती है। सो या ऐसे मॉड्स करेंगे जो पॉकेट फ्रेंडली होंगे, जो आप भी अडेप्ट कर पाएंगे और अपनी बाइक को एक अच्छा बढ़िया लुक दे पाएंगे। फक भाई साहब, पूरा का पूरा ट्रक पलट चुका है यहाँ पे। आई जस्ट होप लोग सेफ हों, मे बी ट्रक वाले ही हैं जो आग लगा के बैठे थे। ओके सो गाइस, दिस इज समथिंग हाउ माई बाइक लुक्स लाइक, एंड टू बी ऑनेस्ट सुंदर है। एंड लेट मी क्लियर यू गाइस दैट आई वॉन्ट बी एडिंग सर्विस कॉस्ट एंड अदर चार्जेस। अभी सिर्फ जो एसेसरीज इंस्टॉल मैंने करवाई हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज है, मतलब आई जस्ट होप वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो जल्दी जल्दी से एसेसरीज की तरफ जाते हैं, बाकी यू कैन हैव अ लुक कि अभी दिखती कैसी है बाइक यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ माई बाइक, दिस एग्जॉस्ट। तो ये एग्जॉस्ट आता है बैरल एग्जॉस्ट की तरफ से, इसका नाम है रोग, और सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव आइटम है जो अभी मेरे बाइक पे इंस्टॉल्ड है। ये सिर्फ एग्जॉस्ट ही एग्जॉस्ट 13,000 का है, बैंड पाइप 2,000 की डिफरेंट है। अगर इसका पूरे का बात करें तो 2,000 प्लस 13, तो 15,000 का पूरा सिस्टम है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। यू कैन ऑल्सो बाय दिस एग्जॉस्ट, जितने भी मतलब एसेसरीज हैं उनके मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो उनकी प्राइसिंग वगैरह, उनके वेबसाइट पे सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा। बाकी बढ़िया एग्जॉस्ट है यार। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आइटम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर मॉड। द अदर मॉड इज़ द डेकल किट। इससे पहले मैं रेडबुल वाली यूज़ कर रहा था, वो आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में। बाकी अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं एक फोटो लगा दूंगा कि पहले मेरी बाइक कैसे दिखती थी। अभी रिसेंटली मैंने इसको लगाया, इस वाले डेकल को, BMW वाले को। सो दीज डेकल्स आर फ्रॉम रैप एंड राइड। जो पहले वाला डेकल था उसकी कॉस्टिंग थी 6,500 की, और इसकी कॉस्टिंग है 4,500 की। इंस्टॉलेशन चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो मोटा मोटा अगर आप लेके चलोगे तो 11,000-12,000 का तो मेरे को डेकल किट का ही पड़ा हुआ है। तो बढ़िया है, अच्छी इन्वेस्टमेंट थी ये भी, मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। तो अभी तक टोटल 15 उसका हो गया, 11-12 डेकल का हो गया, 11 ले लेते हैं, चलो 12 क्यों लेना, 11 डेकल का हो गया। तो टोटल मेरे को अभी पता नहीं है कितना मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने करी है, और लास्ट में टोटल करते हैं, आपको टाइटल में देखने को मिल जाएगा कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी मॉड्स की बात करते हैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है वीडियो अब लंबी बन जाएगी यार। बाकी मोड्स तो चलो गाइज आपके अपनी मर्जी है, करवाने तो करवाओ, नहीं करवाने तो मत करवाओ। बट जो नेसेसरी मोड है मतलब जो इसके टायर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं यूज़ कर रहा था अपोलो अल्फा H1 का पेयर फ्रंट में भी और रेयर में भी, बट रेयर वाला यूज़ करने के बाद जब मतलब ख़त्म हो गया था तो मैंने रिप्लेस करा उसको कॉन्टिनेंटल वाले टायर से। तो अगर पहले की कॉस्टिंग की बात करी जाए, जो मैं पहले पेयर यूज़ कर रहा था उसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी अराउंड 10,000, और अभी वाले की टायर की कॉस्टिंग है 3,500, तो टोटल पड़ जाता है 13,500। साइड साइड में टोटल करते रहते हैं यार वीडियो में, मतलब थोड़ा पता आइडिया लग जाए आपको भी कितनी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी है इसके ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सैडल स्टे। मेरे को स्पीति जाना था, अगर आपने मेरी स्पीति वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस देखो, उसको मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो सैडल स्टे की कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 3,500 की, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट थी, अच्छा मैंने लगेज कैरी करा था इसमें, और क्वालिटी भी बढ़िया है, ऑल्सो मेरे को क्रैशेज वगैरह से भी बचा लेती है। अभी अगर सैडल स्टे के पास हम आ गए हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टेल टाइडी। तो टेल टाइडी एडजस्टेबल वाली टेल टाइडी है, बाकी भी आती हैं बट मेरी पर्सनल फेवरेट एडजस्टेबल वाली, बिकॉज एडजस्ट हो जाती है ऊपर नीचे, तो मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। इसकी प्राइसिंग थी अराउंड 1,100 की। प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, अभी महंगा होगा तो मेरे को नहीं पता, जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी मैं वही बता रहा हूँ। तो 1,100 की ये टेल टाइडी थी,
बाइंग लिंक अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो KTM के जो ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये टेल टाइडी मेरी लूज़ होगी भाई, टाइट कराने की ज़रूरत है भाई यहाँ पे। सो KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं ये, मैंने लिए थे माइस्पेयर मार्केट से। इन दोनों की कॉस्टिंग कितनी है, 1600 की इन दोनों की कॉस्टिंग है। और जो आगे के इंडिकेटर्स हैं फ्लश माउंट वाले हैं, 350 का ये वाला है और 350 का ये वाला है। कितना हो गया टोटल, मैथ्स वीक हो गया भाई, एक दो तीन जब 600 ये हो गया है और 1600 वो हो गया। तो टोटल साइड साइड में हम कर रहे हैं। बाकी ये वाली इन्वेस्टमेंट थी मेरे इंडिकेटर्स की। पहले भी मतलब मैं इंडिकेटर्स लगवाता रहता था, खुलवाता रहता था, तो अगर टोटल कर लें तो ज़्यादा नहीं लेते, 3500 ले लेते इंडिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्ट करा है। तो 1100 इसका हो गया टेल टाइडी का और 3500 इंडिकेटर्स का हो गया है जितने भी आज तक इंस्टॉल करवाए हैं। तो साइड साइड में हम टोटल करते रहते वीडियो में ताकि एक पता लग जाए, एक आइडिया लग जाए कि कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई। आई जस्ट होप गाइज मेरे घर वाले ये वाली वीडियो ना देखें, क्योंकि उनको मैंने इतना झूठ बोला है ना कि ये वाला सामान इतना है। क्योंकि आप भी झूठ बोलते ही होंगे कि हाँ भाई महंगी चीज़ बताएंगे तो घर वाले गालियाँ देंगे, तो आप सस्ती बोल देते हो उनको। तो मैंने भी ऐसे इंडिकेटर बोला 100-100 रुपये के, बट महंगे हैं। तो आई जस्ट होप घर वाले ना देखें। तो अभी बात करते हैं विंगलेट की। विंगलेट सस्ती आइटम होती है, 450 का विंगलेट है ये वाला। और फेस मास्क की बात करें तो कितने का था, मेरे को आइडिया नहीं है कितने का था, बट 600 ले लो, 600 का था ये फेस मास्क। तो 600 प्लस 450 1100 कुछ ये हो गया इंस्टॉलेशन मिला के, विदाउट इंस्टॉलेशन तो होगा नहीं ना यार। तो 1100 का ये हो गया विंगलेट और फेस मास्क। बाकी जब मैं स्पीति जा रहा था तो मैंने यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल करवाए थे ये वाले, सस्ते लाइट्स हैं, 600 के दोनों आ जाते हैं। इससे पहले वाले जो मैंने इंस्टॉल किए थे वो महंगे थे थोड़े, वो था 1100 का पेयर था वो इनका, तो वो डिफरेंट थे, वो ये डिफरेंट है। 600 प्लस 11 मोटा मोटा ले लेते हैं 1900 ले लेते हैं लाइट्स का, इन वाली का। और इस वाली लाइट को भी ऐड कर ही लेते, क्यों डिफरेंट करना है। ये वाला सिंगली 750 का था, मे बी 800 ले लेते हैं इसको, तो 1900 प्लस 800। ये छोटी मोटी सी टेपिंग है, इसका तो 100-100 रुपया होगा, गोल्डन जो करवाया मैंने इधर उधर। पहले मैं यहाँ पे इंडिकेटर वाले मिरर यूज़ कर रहा था। अगर आपने मेरे स्पीति वाली सीरीज़ देखी है तो उसमें वो टूट गया था मिरर, तो मेरे को ये स्टॉक वाले मिरर लगवाने पड़े हैं। उनकी प्राइसिंग थी मे बी 3500, हाँ वो सस्ता था, जो मेरे को सस्ता पड़ा वो मैं सस्ता ही बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ तो ये वाले मिरर्स हैं स्टॉक वाले, बट पहले वाले 3500 के थे, तो उनको भी ऐड करेंगे। अभी इस वीडियो में जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैंने करी है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी वो ऐड करना ही चाहिए। तो 3500 के वो मिरर थे, ये जो वाइज़र है ये बबल वाइज़र है, डबल बबल नहीं है तो ये सस्ता होता है। तो 650 का ये वाइज़र है जो कि बढ़िया लुक प्रोवाइड करते, तो 650 का वाइज़र प्लस 50 रुपये इंस्टॉलेशन के थे, तो मे बी 700 तक ये वाइज़र पड़ा है मेरे को। भाई मैं थक गया, सांसें फूल गई, बट जो मेरी मॉडिफिकेशन है वही नहीं ख़त्म हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेम स्लाइडर्स। 1500 रुपये का पेयर है फ्रेम स्लाइडर का, और भाई साहब लूज़ हो गया, टाइट कराना पड़ेगा ये भी। तो 1500 का पेयर था फ्रेम स्लाइडर्स का, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी आइटम है आपकी बाइक के लिए। तो आई मस्ट से इंस्टॉल करवा रहे हो तो इसको तो पक्का इंस्टॉल कराना, और सबसे पहले इंस्टॉल करवाना, बाकी मोड्स तो होते रहते हैं बट ये आपकी बाइक को बचाता है। तो फ्रेम स्लाइडर्स की बात हो गई है तो लेट्स टॉक अबाउट रेडिएटर ग्रिल। रेडिएटर को बचाना भी ज़रूरी है, जस्ट होप दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है GoPro की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कहीं पे रेडिएटर ग्रिल है, तो इसकी प्राइसिंग थी मे बी मोटो ग्रैंडाइज वालों की तरफ से, देसी नहीं है ये, तो ये महंगी थी थोड़ी, 2000 तक का इसका रेट था। तो 2000 आप इसका लेके चलो, कम भी हो सकता है बट सेफर साइड के लिए 2000 ले लेते हैं। बाकी आई डोंट थिंक कुछ बचा है, हाँ बचा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम है गाइज, अगर आप शूज़ मतलब प्यार करते हैं ना, अगर आप अपने जूतों से, अगर आपको शूज़ का वो है ठरक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम आपके लिए, बिकॉज़ ये आपके शूज़ को बचाती है कुछ हद तक, बिकॉज काले तो हो ही जाते हैं, बट ज़रूरी आइटम है। अगर आपको शूज़ का टिप बचाना है तो ये रबर वाला जो है गियर के ऊपर लगता है और ये बचा लेता है शूज़ को गाइस। तो कितने का है ये, 60-70 रुपये का, 100 रुपये ले लेते हैं इसको चलो। बाकी यहाँ पे फ्लैशर्स हैं, सिमटेक के फ्लैशर्स लगवाए हैं मैंने। पहले भी फ्लैशर्स लगवाए थे, तो पहले वाले देसी थे तो वो 350 के थे, और ये कंपनी वाले सिमटेक वाले तो इनका प्राइसिंग था मे बी 1100 या फिर 1200। भाई सब हाथ में वो लग गया ब्लैक ब्लैक ऑयल सा, नेवर माइंड। तो सिमटेक के फ्लैशर्स भी लगे हुए हैं जिनकी प्राइसिंग 1100 से लेके 1200 के बीच में होगी, मेरे को इतना श्योर नहीं है अभी, तो 1200 ले लेते हैं चलो। तो 1200 के यहाँ पे फ्लैशर्स लगे हुए हैं। मैं भूल ही गया था गाइस, चेन भी तो मैंने रिप्लेस करवाई थी।
तो अभी तो गंदी है बिकॉज वॉश बाइक मैंने बिल्कुल नहीं कराई है। आई एम सॉरी गाइज, आपको वैसे देख के लग रहा होगा कितनी गंदी कंडीशन में है बाइक इस टाइम। तो इसके पीछे भी रीज़न है, डेकल मैंने अभी चेंज करवाना है, ये देखो निकल रहा है, बिकॉज अपने इमेजिनेशन से जो अगला डेकल होगा वही लगाएंगे अब, बिकॉज ये तो ख़राब हो चुका है पूरा। तो इसी की वजह से मैं बाइक वॉश नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने बाइक वॉश करवाई तो ये पूरा का पूरा डेकल निकल जाएगा। एंड आई डोंट वॉन्ट अभी मैं इस डेकल को निकालूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस डेकल जस्ट बिफोर इंस्टॉलिंग द न्यू डेकल। तो अभी अगर निकाल दूंगा तो भाई स्टॉक वाला मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं प्रोजेक्ट पर आ जाऊँ अपने नए वाले डेकल के, जो कि मेरे को खुद ही बनवाना है। तो जैसे ही वो आ जाएगा वैसे ही इसको निकाल दूंगा, तब तक के लिए मेरे को बाइक भी वॉश नहीं करवानी बिकॉज गंदी लगेगी बाइक। टॉपिक से भटकते नहीं, हम चेन की बात कर रहे थे। तो चेन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रोल ऑन की गोल्डन वाली, कैसे दिखाऊँ इसका गोल्डन कलर है, आई जस्ट होप दिख रहा हो आपको, वीडियो भी है मेरे चैनल पे। तो ये गोल्डन कलर वाला चेन सेट यूज़ कर रहा हूँ मैं रोल ऑन का। इसका प्राइसिंग था मे बी 2200 तक, और इंस्टॉलेशन के भाई बहुत चार्जेस लिए थे उन्होंने, ज़्यादा लिए थे वैसे तो, बट हम कम कर लेते बिकॉज हमने बाकी एसेसरीज़ में ज़्यादा लिया है। तो 2500 ले लेते टोटल प्राइसिंग इसका इंस्टॉलेशन और साथ में जो इसका MRP है। तो 2500 की मेरे को ये चेन सेट बड़ी थी, साथ में जो स्प्रॉकेट्स हैं वो भी, तो बढ़िया था यार ये भी। बाकी गाइस पहले मैं एक देसी सा मोबाइल होल्डर यूज़ कर रहा था, वो ऐसे स्पाइडर जैसा, तो वो तो 500 का था, बट ये महंगी बातचीत है। तो इसकी प्राइसिंग है 1200 या तो ग्रैंड पिट स्टॉप वालों की तरफ से, और इसकी क्वालिटी भी प्रीमियम है, आयरन का ये, तो ये महंगी बातचीत है। 1200 रुपये का मेरे को ये पड़ा था। बाकी छोटे मोटे मॉड्स मैं करता रहता हूँ, जैसे ये वाला स्टिकर मैंने खुद बनवाया हुआ है, ये सिल्वर कलर का मैंने स्प्रे करा हुआ है, यहाँ पे भी सिल्वर कलर का स्प्रे करा हुआ है खुद, मतलब एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहता हूँ। तो इनका प्राइसिंग लेने की ज़रूरत तो मेरे अकॉर्डिंग है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने सब कुछ कवर कर लिया, अगर कुछ छूटा होगा तो आई एम सॉरी। बाकी टोटल कर लेते वीडियो एडिटिंग करते टाइम, और अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पे, बिकॉज थक गया हूँ भाई, धूप लगी हुई थी, गला सूख गया मेरा बोल के, कहीं पे बीच में फ्लक्चुएट हुआ हूँ मैं, या गलत हुआ हूँ या फिर फंबल हुआ हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सो गाइस अभी टोटल फिगर जो इन्वेस्टमेंट का है वो तो मेरे को भी नहीं पता, और जाम क्यों लगा हुआ है भाई, तो गलत फिगर्स तो मैं अभी बताऊँगा नहीं, तो एडिटिंग करते टाइम हम टोटल कर लेंगे। बाकी काफ़ी लंबा जाम लग रहा है मेरे को ये, टॉपिक से भटकते नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनेगा वो मैं मेंशन कर दूंगा, साथ में एडिटिंग के टाइम कर लेंगे टोटल कितना बना है, गलत फिगर्स मैं बताऊंगा नहीं अभी। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते गाइस, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो,